हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का बीएचयू एम.एड चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं 2000 एम.एड का एंट्रेंस पेपर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर वन, ब्लूम के अनुसार निम्न में से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का स्तर क्या नहीं है? तो ज्ञानात्मक स्तर के पक्षों का जो स्तर है उसमें एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन तो होता है, पर उसमें इंस्ट्रक्शन कहीं नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन फोर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से किसका नाम सूचना प्रक्रम प्रतिमान से संबंधित नहीं है? तो फ्लैंडर का जो है वो सूचना प्रक्रम प्रतिमान से संबंधित नहीं है, फ्लैंडर। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से अभिक्रमित अधिगम का अनिवार्य सिद्धांत क्या है? तो अनिवार्य सिद्धांत, सबसे बड़ी बात है कि ये सेल्फ रेसिंग मतलब स्व गति के अनुसार पढ़ने की बात बोलता है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सत्य पर किसका अधिकार होना चाहिए? तो उनके अनुसार जनसाधारण का सत्य पर अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक दक्षता का संप्रत्यय किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया है सामाजिक दक्षता का संप्रत्यय। ये क्वेश्चन जो है एमएन एजुकेशन, पीएचडी और पीजीटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आनंदपूर्ण अधिगम जॉयफुल लर्निंग कॉन्सेप्ट वाज रिकमेंडेशन ऑफ आनंदपूर्ण अधिगम संप्रत्यय की संस्तुति किसकी थी? तो यशपाल जी ने आनंदपूर्ण अधिगम की संप्रत्यय दिया था। किसने दिया था? यशपाल जी ने। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन, परिवार है, परिवार एक प्राकृतिक सामाजिक समूह है, ए नेचुरल सोशल ग्रुप। तो ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, संस्कृति संस्करण वह प्रक्रिया है जिसमें नई पीढ़ी आदर्शों को ग्रहण करती है, एक कल्चरलाइजेशन is a process by which the young generation learn the cultural pattern of। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राज करने वाले विदेशी समाज की, इसके अंतर्गत जो एक कल्चराइजेशन है, संस्कृति संस्क्रमण क्या है, यदि कोई कॉलोनी रूलिंग है उससे कोई रूलिंग है या दूसरे विदेशी समाज है जो हम पर उपनिवेश स्थापित हुए हैं, उनका जब हम लोग कल्चर अपनाते हैं तो राज्य करने, तो वो संस्कृति संक्रमण कहलाती है। जैसे कि इंडिया में जब ब्रिटेन सरकार आई और यहाँ पे राज्य करने लगी, तो वहाँ की जो पाश्चात्य संस्कृति है उनको हमारे भारतीयों द्वारा सम्मिलित अपने उसमें ग्रहण करने कारण, अपने संस्कृति में अडॉप्ट करने के कारण ये संस्कृति के संक्रमण कहलाई। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारतीय संविधान के धारा 46 निम्न में से किस वर्ग के शैक्षिक हितों की रक्षा करती है? तो एसटी एससी जो है इनके हितों की, शैक्षिक हितों की रक्षा धारा 46 के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर टेन, समृद्धिकृत कार्यक्रम उपयोगी होते हैं, तो ये जो इनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं वो प्रतिभावान बालकों के लिए, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, ये एमएन एजुकेशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 3H पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 3H जो है मतलब 3H, हिट हैंड एंड हार्ट, ये तीनों जो है महात्मा गांधी ने दिया था और ये बेसिक शिक्षा वर्धा शिक्षा के समय दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार का है, वो सामाजिक परिवर्तन जो है वो संचयी भी होती है, चक्रीय भी होती है और लहरदार भी होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सर्वाधिक सही विचार क्या है? तो शैक्षिक सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर आश्रित है, ये सही है। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि हमारी जो, मान लीजिए पहले समाज का शिक्षा पे देखते हैं, समाज में जो भी
आवश्यकता होती है, नीड जो होती है उसके अनुसार हमारे करिकुलम बनते हैं। जैसे कि इस समय ITC की ICT या ITC इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT तो इसकी आवश्यकता है, तो इसलिए इसमें कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट शिक्षा, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये तो इस प्रकार समाज की जो आवश्यकता उसके अनुसार हमारा करिकुलम प्रभावित हुआ। अब हमारा करिकुलम में हम लोग ICT वगैरह डालते हैं या फिर नवाचार पढ़ाते हैं, तो जो है उसकी उपयोगिता ये होगी कि समाज में जितने ज़्यादा वैज्ञानिक चाहेंगे उतना ज़्यादा वो अधिक कार्य करेंगे, तो इस तरीके से समाज में भी परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से शैक्षिक व सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव क्षमताओं का विकास है। तो मानव क्षमताओं का विकास शिक्षा के समाजवादी व सामाजिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रयोजन के अनुसार सत्य नहीं है। तो प्रयोजन के अनुसार जो है सत्य परिवर्तनशील नहीं है, और मानव सत्य का निर्माता, ये बात भी सत्य है। सत्य शाश्वत है, ये भी सही है। सत्य वही है जो यथार्थ अभ्यास में सही लगता है, ये भी बात प्रयोजनवाद से सही है, लेकिन सत्य परिवर्तनशील है ये नहीं कहा इसने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का सिद्धांत के विरुद्ध में निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय हैं। तो ये पब्लिक विद्यालय है शैक्षिक अवसरों की समानता के विरुद्ध, क्योंकि पब्लिक विद्यालय में जो पे कर पाता है वही पढ़ता है, तो ये उसके विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे घनिष्ठ माना जाता है। तो आदर्शवाद सबसे घनिष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण शक्तियों का संतुलित विकास है, यह किसका विचार है। तो शिक्षा, एजुकेशन इज द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल ह्यूमन पोटेंशियल, ये बात जो है पेस्टोलॉजी ने कही थी, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डेवी थिंकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ, डेवी के विचारधारा निम्न में से किसका सम्मिश्रण है। तो डेवी की जो विचारधारा है वो प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का मिक्सचर है। स्काई, अगला क्वेश्चन 20, काई कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन 21, भावात्मक एकता जो है डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो की निम्न में से कौन सी पुस्तक शैक्षिक एवं सामाजिक विचारों से संबंधित है। तो रिपब्लिक जो है प्लेटो से संबंधित है, रिपब्लिक जो है प्लेटो ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 23, अर्जित गुरु के हस्तांतरण पर निम्न में से किसने बल दिया है। तो अर्जित गुरु के हस्तांतरण पर लेमार्क ने अपने विचार दिए हैं। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की प्रणेता निम्न में से कौन है। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो प्लेटो ने दिया है। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षा दर्शन के अनुसार मूल्य परिवर्तनशील है। तो प्रयोजनवाद जो है प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्य परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है। तो सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर, ये सामाजिक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 27, जन साधारण के शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा दिया गया है। तो वेदांत ने जन साधारण के शिक्षा का समर्थन दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, पुनः केंद्रीकरण निम्न शिक्षण कौशलों में से किसका घटक है। तो रिफोकसिंग जो है वो प्राइजिंग क्वेश्चन खोजी प्रश्न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर, ये स्किल जो है सॉफ्ट माइक्रो टीचिंग में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, माइक्रो टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सूक्ष्म शिक्षण निम्न में से किसका उदाहरण है।
तो सूक्ष्म शिक्षण सुव्यवस्थित ट्रेनिंग से है, सिस्टमेटिक प्रशिक्षण से संबंधित है, जिसके द्वारा अच्छे टीचर बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो ये व्यवहार सुधार प्रतिमान बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की देखभाल के लिए विश्वविद्यालय अनुदान ने स्थापित किए हैं, तो उसकी उसके लिए नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद इस्टैब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सबसे दूरगामी संस्कृति किस संदर्भ में दी है? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की बात की है। 33, निम्न में से कौन सा दूसरों से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का सिर्फ बहुलक है और सब ये प्रतिशत से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा दूसरों के मुकाबले व्यक्तित्व के अधिक शुद्ध परिभाषा देता है? तो ये गुणों की व्यवस्था जो है ये अधिक परिभाषा देता है, तो इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सबसे पहला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था? तो सामूहिक सबसे पहला आर्मी अल्फा, तो दूसरा आर्मी बीटा था। आर्मी अल्फा शाब्दिक और पढ़े लिखे जो है उनको से संबंधित था, जबकि बीटा जो है अनपढ़ों से, और ये परफॉर्मेंस टेस्ट था और ड्राइमैन व्यक्तित्व परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 36, वाक्यांश कन्वर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव रिलेशनशिप निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये गिलफोर्ड से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा के निजीकरण द्वारा नीचे दिए गए किस उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन है? ये क्वेश्चन 2009 में भी रिपीट हुआ है, सच अवसरों की समानता। 38, क्वेश्चन नंबर 38 प्राप्त अंकों में 6, 7, 8 का मानक विचलन क्या है? इसका मानक विचलन 0.1082 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 45 किग्रा है, एक नए छात्र के आ जाने से औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है, तो नए छात्र का भार है तो ये जो है 70 केजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 10 प्राप्तांकों को चढ़ते बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो माध्यिका कहाँ होगा? तो ये 5वें और 6वें के मध्यमान होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, किसी समूह का सामूहिक निष्पादन दर्शाने वाले अंक संख्या को कहेंगे एक मध्यमान, क्या कहेंगे? एक मध्यमान। क्वेश्चन नंबर 42, वर्गांतराल 15 से 24 का मुख्य मध्य बिंदु है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु जो हो जाएगा वो 19.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि हम डी बराबर एक्स माइनस एम परिभाषित करें, जहां एम मध्यमान, एक्स कोई कक्षा रॉ मटेरियल रॉ स्कोर्स, और निम्न में से कौन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि सिग्मा डिवीजन बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 44, एक वर्गांतराल का मान 5 है, यदि वितरण सबसे कम प्राप्तांक 13 हो तो सबसे नीचे का वर्ग अंतराल होगा, तो ये 10 से 14 हो जाएगा, क्योंकि 5 इसका वर्गांतराल यदि 5 है तो 5 यदि 14 यदि उसका अंत उच्च लिमिट है तो निम्न लिमिट उसका 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, प्राप्तांक को 20, 21, 22, 23, 24 को सम्मिलित करने वाले अंतराल को किस प्रकार लिख सकते हैं?
तो ये 20 से 24 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, मापनी वह भाग है जिसके अंतर को कई संभव प्राप्तांक आते हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के अनुसार आजकल शिक्षा को शामिल किया गया है, तो इससे मैं इसको कंकरेंट या समवर्ती सूची में रखा गया। अब इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपना बना सकती हैं, कुछ भी कोई नियम या फिर कोई अनुदान दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? तो इसकी सफलता के लिए जन शिक्षा एकदम आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का, प्राचीन भारतीय शिक्षा में मुख्य अध्यापन विधि है, तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में मुख्य अध्यापन विधि मौखिक अंतःक्रिया या फिर ओरल इंट्रैक्शन था, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को भिक्षा मांगने के पीछे प्रथा के पीछे मुख्य उद्देश्य था, तो इसमें मुख्यतः जो है उसमें मुख्यतः ये कैंसिल क्वेश्चन है, इसमें मुख्यतः छात्र को जो है उसमें नम्रता लाना भी था। दूसरी बात कि उसमें भीख के प्रति मतलब कि छात्रों में विनम्रता लाना था, और प्लस उसके साथ ये भी चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो आदर सम्मान करें दूसरे का, लेकिन इसका मुख्यतः जो ये कैंसल क्वेश्चन किया हुआ है कि उसमें मुख्यतः लोगों में नम्रता ही लाना था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 कि भारत में सामूहिक शिक्षा संस्थाओं के उदय का श्रेय है, तो सामूहिक शिक्षा जो है वो बौद्ध काल में आई, सबसे पहले विहारों एवं मठों में काफ़ी संख्या में उसको पढ़ाए जाने लगे, और कालांतर में ये विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गए। क्वेश्चन नंबर 53 कि प्राचीन भारत की किस महिला ने शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क को चुनौती दी थी? तो वो गार्गी थी, गार्गी ने याज्ञवल्क को शास्त्रार्थ हेतु चुनौती दी थी। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य स्रोत था, तो प्राचीन काल में व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य स्रोत जो है वो परिवार था। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन काल में निम्न में से किसको धार्मिक शिक्षा का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो इसमें शूद्रों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 56, छात्र जीवन को प्राचीन भारतीय शिक्षा में कहा गया है? तो प्राचीन शिक्षा में ब्रह्मचर्य कहा गया था, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही छात्र गुरुकुलों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन कालीन शिक्षा के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि के लिए शिक्षा जो है ये उद्देश्य शामिल नहीं था, जबकि धार्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण ये उसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारतीय शिक्षा में निम्न में से किसको महत्ता नहीं दी जाती थी? तो प्राचीन काल में जो है अधिगम के साथ साथ कमाई को महत्ता नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन इसलिए इसका 58 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ई.एल. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की संरचना है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है वो बुद्धि बड़ी संख्या में लार्ज फैक्टरों में है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था? तो विलियम स्टोर ने बुद्धि IQ कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी प्राप्तांकों के समूह में प्रत्येक प्राप्तांक को दुगना कर दिया जाए तो मध्यमान और मानक विचलन दोनों दुगने हो जाते हैं, जबकि मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्वेश्चन नंबर 62 वर्गांतरा 15 से 19 को वास्तविक सीमाओं में सीमाओं के पदों को लिखने पर वो होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि निम्नतम में 0.5 माइनस कर देते हैं और उच्चतम में 0.5 ऐड कर देते हैं, तो इसलिए अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 63 वर्गांतरा 21 से 30 का मध्य बिंदु है, तो इसका जो मध्य बिंदु है 21 से 30 का वो 25.5 है। अगला क्वेश्चन है 64 कि किसी प्राप्तांक वितरण में एक प्राप्तांक जितनी बार आता है उसे उसकी क्या कहते हैं बोलते हैं, उसको आवृत्ति बोलते हैं। कि जैसे कि कोई वर्गांतराल है या तो उसमें किसी भी अंक को कोई नंबर्स है तो उस किसी नंबर को एक कितनी बार आने की प्रवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित एवं वित्त पोषित करने वाली संस्था है, तो RCI ये भारतीय पुनर्वास परिषद है। इसमें स्पेशल टीचर्स और स्टूडेंट्स सबका रजिस्ट्रेशन वहाँ से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।